नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारु चौधरी में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जातिवाचक संज्ञा। देखिए, अभी तक जो है हमने जाना संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर हमने जाना संज्ञा के कितने प्रकार है, तो संज्ञा के तीन प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा की आसान परिभाषा। हम जानेंगे जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार और परिभाषा रिपीट कर देती हूं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी उदाहरण देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हमने पढ़ा, परंतु उसमें क्या होता है, हमको विशेष व्यक्ति के बारे में पता चलता है, परंतु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको पूरी जाति का बोध होता है। तो अभी जाति क्या हो गई, अगर हम व्यक्ति की बात करें तो क्या जाति होगी, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, ये सब क्या हो गई, ये पूरी जाति हो गई। अगर हम कहते हैं राम, श्याम, सीता, मीना, गीता, तो ये सब क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि हम एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं। परंतु हम कहते हैं लड़के भाग रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लड़के हैं, एक पूरी जाति, मतलब लड़कों की जाति, बहुत सारे राम श्याम इन सबको मिला के एक लड़के जो है हमने वो कहा है, तो ये लड़के जो है पूरी जाति का बोध कराता है। आदमी, औरत, ये सब व्यक्ति की जाति, तो एक इंसान जो है उसकी जाति क्या हो गई, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, लोग, ये सब उसमें आएंगे। अभी दूसरा वस्तु, वस्तु क्या हो गई, अगर हम किताब, मान लीजिए हम कहते हैं गीता, गीता पर हाथ रख के कसम खाई, अगर हमने गीता किताब के बारे में कहा है, भगवत गीता के बारे में, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परंतु हम कहते हैं किताब, हमने कोई नाम नहीं लिया कौन सी किताब, हमने बस किताब कहा है, तो वो क्या होगी, जातिवाचक, क्योंकि किताब जो है हमने एक स्पेसिफिक किसी किताब का नाम नहीं लिया है, उस किताब की संपूर्ण, मतलब उसके अंदर सभी किताबें आ जाती हैं, इसलिए ये जाति बता रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा क्या है, हमने लिखा है स्थान, स्थान में हमने लिख दिया शहर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो क्या था, अगर आप कहते हैं जयपुर, उदयपुर, आप शहर का नाम लेते हैं, परंतु तो यहाँ पे आपने लिख दिया शहर, गांव, कस्बा, ये सब क्या है, कोई स्थान का पूरा, पूरी जगह का कोई ग्रुप बता रहा है, समूह बता रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। बहुत ही आसान सा है, जगह
किसी जो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की जाति का बोध हो, कि पूरी या समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और जातिवाचक संज्ञा के अगर उदाहरण देने हैं तो आप बोल सकते हैं लड़का, लड़की, आदमी, औरत, किताब, पेन, और शहर, गांव, कस्बा, ये सभी बात जो है ये सभी आप उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं। तो ये अगर आपको एग्जाम में प्रश्न आता है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, संज्ञा के प्रत्येक प्रकार की परिभाषा दिखाइए, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।